हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। सो कुछ दिन पहले किसी ने कमेंट किया था कि भाई एक माइक बना के दिखाओ। सो इस वीडियो में मैं एक माइक बना के दिखाने वाला हूँ, वो भी पूरी की पूरी वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके। सो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इस माइक को जो है आप किसी भी यूट्यूब के वॉइस ओवर देने के लिए या फिर आप जो है किसी वीडियो पे वॉइस ओवर देने के लिए, सिंगिंग करने के लिए या फिर कराओके के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। सो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहे कि मैंने जो इसको किस तरह से बनाया हुआ है। सो आपको पता ही होगा कि यार इंडिया में अभी तक लॉकडाउन चालू ही है। सो मैं घर के जो है कुछ साफ़ सफाई कर रहा था तो मुझे कुछ पुरानी चीज़ें मिली, जैसे कि ये टॉर्च मिला है और भी कुछ चीज़ें मिली है जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। सो इस टॉर्च को यूज़ करके जो है मैं एक माइक बनाने वाला हूँ। सो पहले मैं इसको पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर तोड़ के निकाल लेता हूँ। सभी इसके जो पार्ट्स हैं सभी मैं निकाल लिया हूँ, टॉर्च को पूरा एकदम खाली कर दिया हूँ। और उसके बाद देख सकते हैं टॉर्च जो काफ़ी ज़्यादा गंदा है। और इसके बाद मैं इसका जो स्ट्रैप है उसको भी मैं यहाँ पर इस तरह से निकाल दूँगा, ठीक है। और निकालने के बाद मैंने जो है इसका जो ऊपर का टॉप का पार्ट था उसको निकाल लिया है। और उसके बाद सफाई कर रहा था फ्रेंड, मुझे एक पार्ट मिला है यहाँ पर जो कि जाली होता है, लोहे की जाली होती है जो मच्छर को दूर रखने के लिए यूज़ होता है, जो हमारे विंडोज़ में लगता है, खिड़की में लगता है। सो वो जो है जाली का मुझे थोड़ा सा पार्ट मिला है यहाँ पर, तो उसको यूज़ करूँगा मैं। सो इसको जो है मैं पहले जो मेरा साइज़ है, जो इस साइज़ का मैं बनाने वाला हूँ उसके हिसाब से मैं इसको उतना थोड़ा सा पार्ट यहाँ से कट कर लूँगा। कैंची से ये आसानी से जो है कट हो जाता है। और कट करने के बाद मैं यहाँ पर इस पर रख के चेक करूँगा कि ये जो है मेरा इसके ऊपर अच्छे से फिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो उसके ऊपर देख सकते हैं कि मैं इस पर यहाँ पर रख के देख रहा हूँ और ये जो है अभी भी साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यार इसके कॉर्नर्स को भी जो मैं यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर कट कर लूँगा। और फ्रेंड बता दो यार, कट करते समय काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें कि ये जो आपके हाथ में ना लगे, और जितने भी टुकड़े हैं इसके छोटे छोटे उसको जो संभाल के रखें और एक ही बार जो है उसको साथ में फेंक दें। और फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसको जो है इस तरह से लगाने वाला हूँ। सो लगाने के लिए मैं पहले इस पर इस तरह से जाली लगाऊंगा, और जाली लगाने के बाद जो बैटरी था उसके पीछे वाले पार्ट से जो है मैं इसको इसके अंदर इस तरह से पुश कर दूंगा उसके अंदर, ताकि ये जो है इसके अंदर काफ़ी अच्छी तरह से फिक्स हो जाए और उसके शेप में आ जाए जो हमारी जाली है उसके हिसाब से। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि यार आपको आगे समझ में आ जाएगा। और जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको मैंने यहाँ पर कैंची से कट कर दिया है। सो फ्रेंड ये जो है कुछ इस तरह से लगने वाला है जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक मुझे पुराना ईयरफोन मिला है सैमसंग का, जो कि यार मैं 3-4 साल पहले यूज़ करता था और ये ऐसे ही पड़ा हुआ था क्योंकि ये ख़राब हो गया था। सो यहाँ पर देख सकते हैं इसके 3.5 mm जहाँ पे है वहाँ पे भी ये पूरा ख़राब हो चुका है। और उसके बाद जो हमारा ईयरफोन था उसके भी वायर जो है वो भी ख़राब हो चुके हैं। सो इस तरह से तो लेकिन अभी इसका वायर जो है अभी यहाँ पर आधा तो सही है, जहाँ तक माइक्रोफोन है वहाँ तक तो सही है, लेकिन उसके आगे वाला पार्ट जो है वायर जो है ख़राब हो चुका है। सो मैं उतना पार्ट को जो है यहाँ पर कट करके निकाल दूंगा और बाकी जो पार्ट है उसको मैं इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ। सो मैं इसको जो है ईयरफोन को काट के निकाल लिया हूँ। और उसके बाद मैंने जो है सभी पार्ट्स को जो अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर दिया है, और पानी से मैंने मतलब अच्छी तरह से पानी और कपड़े से मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया है पुराना, जो कि बहुत लोग बोलते हैं कि नायलॉन का कपड़ा होता है, सो उसको मैंने यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर उसको जो है एक छोटा सा पीस काट रहा हूँ क्योंकि मुझे माइक्रोफोन पे लगाना है। सो मैंने यहाँ पर छोटा सा जो है यहाँ पर इसका पीस काटा है। और उसके बाद इस पर जो है आप वाइट कलर का इस पर जो यहाँ पर मार्किंग भी देख सकते हो, तो उसको हाइड करने के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक मार्कर यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये पूरा कपड़ा जो है ब्लैक हो जाए। सो मैंने यहाँ पर पूरे कपड़े को जो है कलर कर दिया है। और कलर करने के बाद जो मैंने ग्रिल बनाई थी उसको निकालने के बाद मैं इस पर जो है कपड़े को जो है अच्छी तरह से यहाँ पर चारों साइड से लगा दूंगा, और लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी मैं यहाँ पर फिर से कट कर दूंगा कैंची की मदद से। और कट करने के बाद मैं इस पर जो है फिर से एक बार इसके साइड में ग्लू लगा दूंगा ग्लू गन से, ताकि ये जो है अच्छी तरह से एक जगह पे फिक्स हो जाए और बार बार हिले नहीं और जो है अपनी जगह पे बना रहे। सो फ्रेंड मैंने जो है इसको इसके अंदर डाल दिया है, और इसको इसके बाद मैंने यहाँ पर इस पर ग्लू गन भी लगा दी है ताकि ये जो अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। सो हमारा जो ईयरफोन का माइक्रोफोन था वो इसके अंदर फिक्स नहीं हो रहा है, इसकी जो ऊपर की बॉडी है तो इसके अंदर फिक्स नहीं हो रहा है, क्योंकि टॉर्च भी हमारा यहाँ तक जाएगा अगर मैं बंद करूँगा टॉर्च को। तो इसके वजह से मैं जो है इसका ऊपर का जो माइक्रोफोन था उसके ऊपर का बॉडी को मैंने निकाल दिया ईयरफोन का, और उसके बाद जो अंदर का सर्किट है आपको क्लियरली दिख रहा है। और इस सर्किट को जो है इसके अंदर डालने के बाद मैं ग्लू गन से इसको जो है परमानेंटली इसके अंदर फिक्स कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो इसको अच्छी तरह से अंदर जो है डाल दिया है। और उसके बाद जो हमारा टॉर्च था उसके पीछे मैंने एक होल कर दिया है, जिससे मैं ये जो हमारा 3.5 mm जैक है वहाँ से निकालने वाला हूँ। सो उसको निकालने के लिए आप एक वायर ले सकते हैं या फिर धागे का लेके उसको उस साइड से निकाल के
और टेप की मदद से जो है इस पे इस तरह से लगा के और उसके बाद दूसरी तरह से खींचोगे तो यार दूसरी तरफ बाहर आ जाएगा। और बाहर आने के बाद आप जो है टेप और वायर को जो है निकाल दें इस तरह से। अब मैं यहाँ पर वायर की लेंथ को चेक करूँगा टॉर्च के हिसाब से और उसके बाद यहाँ पर एक गांठ लगा दूँगा और गांठ लगाने के बाद मैं इसके ऊपर उस पर थोड़ा सा जो है ग्लू भी लगा दूँगा ताकि ये जो है खुले नहीं। और उसके बाद ग्लू लगाने के बाद ये ग्लू जो है सूखने से पहले ही मैं इसको जो है इस बैटरी के जो बॉडी है उसके अंदर अच्छी तरह से डाल दूंगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ग्लू इसमें लगा हुआ था तो ये जो है इस पर अच्छी तरह से चिपक जाएगा जिससे हमारा वायर जो है अंदर बाहर नहीं होगा और एक ही जगह पे फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसके जो है कैप को भी अच्छी तरह से यहाँ पर लगा देता हूँ। सो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो है माइक्रोफोन जो है पूरा लगभग रेडी ही हो चुका है, बस इसमें कुछ और जो है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है। सो यहाँ पर क्या इम्प्रूवमेंट करना है, पहला मैं इसको जो है इसका जो कैप था बटन का वो पहले लगा देता हूँ क्योंकि यार खाली खाली अच्छा दिखने में नहीं लग रहा है। सो मैं इसको लगा, इसका कुछ काम तो नहीं है बट मैं उसको ऐसे लगा दी हूँ ताकि थोड़ा दिखने में भी और अच्छा लगे। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो है माइक्रोफोन रेडी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी जो 3.5 mm जैक है वो अभी उतना सेफ़ नहीं है क्योंकि ये जो है अभी भी जो हमारा बॉडी है उसका दिख रहा है। तो उसको कवर करने के लिए मैं इस पर यहाँ पर एक पुराना पेन लूँगा और उस पर मैं डाल कर चेक करूँगा कि हमारा 3.5 mm जो है पूरा बॉडी उसके अंदर जा रहा है कि नहीं अच्छे से। और उसके बाद मैं इसका पेन का जो थोड़ा सा पार्ट कट करूँगा और इसके ऊपर कुछ इस तरह से लगाने वाला हूँ। सो लगाने के लिए मैं इसके ऊपर पहले थोड़ा सा ग्लू लगा दूंगा ताकि ये जो है थोड़ा टाइट जाए इसके अंदर। और ग्लू लगाने के बाद मैं इस पर जो है अच्छी तरह से इसको इस पर लगा दूंगा और लगाने के बाद मैं इस पर जो है जो हमारा ऊपर का पार्ट है वायर के पास इस पर भी मैं यहाँ पर अच्छी तरह से ग्लू गन लगा दूंगा, ठीक है। और फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं हमारा माइक्रोफोन जो है यहाँ पर रेडी हो चुका है। और यहाँ पर ये जो है मेरा दूसरा वाला माइक्रोफोन है जिसकी आवाज़ आप अभी सुन रहे हो। सो मैं अभी जो है इस वीडियो में आपको इसका टेस्टिंग करके भी दिखाने वाला हूँ कि कौन सा माइक्रोफोन किस तरह से काम करता है। तो आप जो है इस वीडियो को देखते रहना। आप भी जितने भी वीडियो देखे हो, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो मैंने जो है इस राइट वाले ब्लैक वाले ईयरफोन से रिकॉर्ड किए, माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किए। सो अभी मैं आपको इस आगे वीडियो में जो है टेस्टिंग करके भी दिखाने वाला हूँ। सो अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हो वो जो है हमारा मेरा रेगुलर माइक्रोफोन जिसको मैं यूज़ करता हूँ वीडियोज़ को वॉइस ओवर करने के लिए, उससे आवाज़ आ रही है। जैसा कि भी आपने इस पूरे वीडियो में जो आवाज़ सुनी वो भी जो है इसी से माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की गई है। और आगे मैं आपको जो मैंने ईयरफोन बनाया है, सॉरी जो मैंने माइक्रोफोन बनाया है उसे टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। और अब जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो जो है मैंने माइक्रोफोन बनाया है वहाँ से आवाज़ आ रही है। सो फ्रेंड आपको जो है इन दोनों की क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिख रहा होगा। जो ईयरफोन मैं रेगुलर रिकॉर्ड करता हूँ वो जो है 150 रुपये का था और इसको जो है मैंने लगभग फ्री में ही बनाया है। सो फ्रेंड यार आपको जो क्वालिटी का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिख रहा होगा क्योंकि इसमें जो है नॉइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा कम आ रही है। सो फ्रेंड आज के वीडियो में यार इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और आगे से जितनी भी वीडियोज़ आने वाली है पॉसिबली मैं इसी माइक्रोफोन से यहाँ पर वॉइस ओवर करके डालूंगा क्योंकि यार इसकी क्वालिटी जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सो फ्रेंड बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कोई भी और भी वीडियोस देखनी है मेरे चैनल पे कुछ इस तरह की तो यार आप इन सभी वीडियोस को भी चेक कर सकते हो। मैंने कुछ वीडियोस के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और अगर हाँ अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।